नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हमारा समाज अपने को 21वीं सदी का समाज मानता है, लेकिन अभी भी कई समाज की सोच आधुनिकता से दूर है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के नीमका थाना इलाके से सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि जयपुर में एक युवती सीए की पढ़ाई कर रही है, जहां वह अपने समाज के एक लड़के से प्रेम करने लगी, बाद में दोनों ने शादी कर ली। जब इस बात की जानकारी युवती के परिवार को लगी तो वे युवती को लेने जयपुर आ गए, तो वहीं युवती ने अपने परिवार से साथ जाने से साफ तौर पर मना कर दिया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैंने खुद ने मेरी मर्जी से लव मैरिज की है, तो मुझे मेरे परिवार वालों से खतरा है, तो इसलिए मैंने पुलिस से सुरक्षा मांगी। मैं जिससे मैंने शादी की है उसके टच में ही थी 5 साल से, और मैंने मेरी इच्छा से शादी की है। मैं उनके साथ भी अपनी इच्छा से आई हूँ, किसी का जोर दबाव नहीं है, और मेरे साथ सिर्फ वो थे, इसके अलावा मैंने उनके साथ किसी को नहीं देखा। ये दिनांक 6/1/2024 को सीए की एग्जाम अपने भाई ताऊ का बेटा भाई है उसके साथ एग्जाम दोनों देने के लिए आई थी। 2 से 4 बजे तक इसकी एग्जाम का समय था। 4 बजे एग्जाम देने के बाद में जैसे इसने मुस्कान ने बताया है मुझे जांच में, वहां से ये अब्दुल लतीफ है या भट्टा बस्ती का रहने वाला है, उसके साथ इसने बताया कि मैं मेरी इच्छा से आई हूँ और मैं बालिग हूँ और मैंने मेरी इच्छा से इसके साथ में शादी की है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये 4-5 साल से बता रही है कि मेरा इससे इनके आपस में रिश्तेदारी भी है। मेरी 4-5 साल से लतीफ से जानकारी थी और मैं मेरी इच्छा से आई हूँ। मेरे को कोई जबरदस्ती अपहरण करके नहीं लाया है और मैंने मेरी इच्छा से ही इसके साथ में निकाह की है। 7 तारीख को विद्याधनगर में कोई जामिया मस्जिद वहाँ मौलवी के समक्ष और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया इन्होंने 8 तारीख को। इनके लड़के घर पे भी ये लोग गए, उनके बड़े भाइयों को प्रेशर वगैरह भी किया, जान से मारने की धमकियां, इस तरीके की बातें हुई। तो मैंने कहा भी आप क्या चाहती हैं कि साहब मैं झुंझुनू नहीं जाना चाहती और हम मैं बयान जो है जयपुर में ही राजस्थान हाईकोर्ट में कहीं पे हूँ। अब राजस्थान हाईकोर्ट का प्रोसेस आपको पता है, तो राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से एक संस्था बनी थी महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के नाम से, तो उसमें हमने बात करके और महिला को यहाँ पेश किया है।